पर डेट, डेट पर डेट मिल रहा है, तारीख पे तारीख ही मिल रहा है। विगत 6 महीना से हम लोग रोड पे हैं और सिर्फ तारीख ही मिल रहा है, तो पता नहीं कब सुनेंगे। यही उम्मीद से तो हम लोग पटना आते ही हैं, कभी धरना दिए, कभी लाठियां भी खानी पड़ी। वो तो आप लोग जानते हैं कितना लाठियां हम लोग को खानी पड़ी, तभी हम लोग संघर्षरत हैं, और पता नहीं कब सुनते हैं शिक्षा मंत्री। गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। अभी हम जदयू दफ्तर के बाहर हैं, जदयू दफ्तर में ये लोग पहुंचे हैं कुछ मंत्री लोग से मुलाकात करने। अंदर गए जदयू दफ्तर के लोग से मुलाकात गए थे, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई और फिर आश्वासन ही दिए। क्या आश्वासन? आश्वासन मिला जो देखते हैं आप लोग का काम, अभी फिलहाल 2 दिन बाद आइए, उसके बाद देखते हैं आप लोग को परीक्षा में बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विगत 6 महीना से हम लोग जो है से रोड पे, बोर्ड पे रहना चाहे रोड पे हैं, पता नहीं ये सक्सेस होगा या नहीं। लेकिन तब भी हम लोग उम्मीद बनाए हुए हैं, जो शिक्षा मंत्री जी खुद बोले हैं जो होगा, तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं। छोटे बच्चे को लेकर यहाँ है, छोटे बच्चे पेट का सवाल है, तो छोटे बच्चे को लेकर के आना पड़ेगा। इसको दूध बंद है तो लेकर के आना पड़ेगा ही। समस्तीपुर से मैं आई हूँ बच्चा को लेकर के, आप सोच लीजिए उतना दूर से आते हैं। एक नौकरी जो भी हम लोग को मिल रहा था वो भी बंद हो गया, बच्चे पढ़ाई लिखाई बच्चे का बंद हो गया, ट्यूशन फीस बंद हो गया, तो इसमें हम क्या करें। तो बच्चे को लेकर के आना तो पड़ेगा ही अपनी नौकरी बचाने के लिए। यही इसीलिए हमारे प्रमुख मांगे, हम लोगों का सर प्रमुख मांग ये है कि हम लोगों को पुनः स्कूल वापस बुलाया जाए, विद्यालय वापस बुलाया जाए, हम लोगों का जो सीट है उस सीट पर हम लोगों को बैठाया जाए। कितने दिनों तक आप लोग? लगभग 8 मंथ से हम लोग सर दर दर की ठोकरें खाकर भटक रहे हैं। 8 मंथ से काम किए हैं सर, 6 साल किए हैं। 2018 से बहाली हम लोग, 2018 में बहाली हुई थी, उसके बाद लगातार 6 साल काम करने के बाद। कितना पूरा आप लोग की संख्या होगा पूरे बिहार में? 4257 सर संख्या है हम लोगों का, लगभग ये संख्या में हम लोग हैं। और उस समय हम लोगों की बहाली हुई थी सर, जिसमें विद्यालय में प्लस टू के लिए शिक्षक नहीं अवेलेबल थे और विद्यालय में ताला खुल नहीं रहा था, तो प्लस टू की पढ़ाई बिल्कुल बंद थी उस समय बहाली। बच्चे को हम लोग कॉल कर कर के बुला कर, और बीपीएससी से चयनित कर लिया गया है हम लोगों को। सर ये बात तो आप बहुत अच्छा बोले, जो बीपीएससी से चयनित कर लिया गया, जब स्कूल का ताला नहीं खुलते थे वही अतिथि शिक्षक के भरोसे विद्यालय प्लस टू चलता था। आपको भी मालूम होगा 45% रिजल्ट आते थे, अब 98% रिजल्ट आने लगा। बीपीएससी की टीचर तब नहीं थे, 6 साल पहले बीपीएससी टीचर नहीं थे, गेस्ट टीचर थे प्लस टू में, और गेस्ट टीचर के सहारे ही इतना अच्छा रिजल्ट हुआ। आज बीपीएससी वाले आए तो हम लोग को घी में डाले मक्खी के तरह निकाल दिया गया। क्या ये उचित है? एक तरफ बिहार की बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और एक तरफ बेटी को रोड पे रखिए। यही क्या आप लोग की मांगे यहाँ पे पहुँचे हैं? फिर हम लोग की बस यही मांग है कि हमें पुनः स्कूल भेज दिया जाए। उस समय जब स्कूल में कोई टीचर नहीं थे तो हम योग्य थे, और बीपीएससी को ले आए तो हम अयोग्य हो गए, तो फिर हम योग्य नहीं थे तो हमको लाए क्यों? और ले आए जब 6 वर्ष काम करवा लिए तो फिर हम आज अयोग्य क्यों हो गए? जब हमारी ज्वाइनिंग हुई 18 के बाद 23 तक रिजल्ट देख लें बच्चों का, कि 18 से पहले क्या रिजल्ट था, 18 के बाद क्या रिजल्ट हुआ बच्चों का, और उसके बाद यह पिछले बार बीपीएससी वाले आए हैं। अच्छा, अंदर गए जदयू दफ्तर में तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, तो क्या बोले शिक्षा मंत्री से मुलाकात? हम नहीं मिले, हमारे साथी लोग को मुलाकात हुई और टाइम दिए हैं जो 2 दिन बाद आकर के मिलिए। कब तक टाइम? आप लोग गर्दनी बाग में भी आप लोग देखे बधाना पे बैठे थे, टाइम पर टाइम हम लोग को डेट पर डेट मिल रहा है, तारीख पे तारीख ही मिल रहा है। विगत 6 महीना से हम लोग रोड पे हैं और सिर्फ तारीख ही मिल रहा है, तो पता नहीं कब सुनेंगे। यही उम्मीद से तो हम लोग पटना आते ही हैं, कभी धरना दिए, कभी लाठियां भी खानी पड़ी। वो तो आप लोग जानते हैं कितना लाठियां हम लोग को खानी पड़ी, तभी हम लोग संघर्षरत हैं, और पता नहीं कब सुनते हैं शिक्षा मंत्री। आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर कभी जदयू दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, तो कभी गर्दनी बाग धरना पर स्थल पर बैठते हैं। देखिए एक्चुअली में हम लोग जो हैं गेस्ट टीचर हैं, है ना, 2018 से कार्यरत थे, लेकिन 2024 में जो है हम लोग सरकार हटा दी है। वही सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुनः हम लोग को जो है बहाल किया जाए, क्योंकि हम लोग का एज जो है निकल चुका है, है ना, तो अब हम लोग किसी परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं, उसी की वजह से हम आप लोगों ने वहाँ योगदान दिया। अब जो बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली कर ली गई है, तो देखिए ऐसा है नहीं कि सभी विद्यालय में जो है बीपीएससी वाले शिक्षक आ गए हैं उस विषय के, बहुत विद्यालय भी ऐसा है कि पूरा सीट खाली है, फिर भी जो है एक लेटर निकला जिसके अनुसार जो है हम लोग को जो है हटा दिया गया, सभी को हटा दिया गया।
पूरे गेस्ट टीचर को ही हटा दिया गया। अब आप लोग को हटा दिया गया है, अब आप लोग आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? आज हम लोग को तो हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग को आज शिक्षा मंत्री सर से मिलने के लिए बुलाया गया था। हम लोग शिक्षा मंत्री सर से आज मिलने आए हैं, और जब उनसे हम लोग मिले तो हम लोगों को आश्वस्त किए कि आप लोगों को विचार किया जा रहा है और आप लोग दो दिन के बाद हमसे मिलने के लिए आइए। आश्वस्त ही करेंगे, बीते दिनों जब ये शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, उस समय भी आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर उनके पास जा रहे थे। प्रदर्शन हुआ था, कई बार हम लोग हुए जेल भी गए कई लोग, उसमें से कई भाई लाठियां भी खाई, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि उस शिक्षा मंत्री जो थे हमारे पूर्व चंद्रशेखर सर, उनसे पूरी तरीके से हम लोग मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई, लेकिन सुनील सर से हम लोग जो मिले हैं, बात किए हैं, तो उससे हम लोग को लग रहा है कि नहीं, हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं हम लोग के लिए पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि शायद दो दिन के बाद बुलाए हैं तो कुछ अच्छा, दो दिन के बाद बुलाए हैं तो कुछ सकारात्मक वार्ता हो सकती है, तो शायद हम लोग को फिर विचार किया जा रहा है। गंभीरता से सोचा जा रहा है कि आप लोग कितना टोटल, आप लोग अभी हम लोग 2275 लोग बचे हुए हैं, लाखों लाख की बहाली कर रहे हैं सरकार, अभी बोली है नीतीश सरकार ने कहा है अभी कि 12 लाख की भी और बहाली करनी है इलेक्शन से पहले, तो क्या 12 लाख के पहले 2000 की बहाली नहीं हो सकती है? हम लोग 2000 किधर जाएंगे? नई नियुक्ति हम लोग के जगह पे नए लोग आ गए, बाहर से आ गए, यूपी से आ गए, पूरे इंडिया से आ गए, और हम लोग बिहार के ही रहने वाले हैं और लात मार के हम लोग को निकाल दिया गया। चलिए, गेस्ट टीचर जो है पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं, उन लोग अपनी मांगों को लेकर आज जेडीयू दफ्तर के पास पहुँचे थे और जेडीयू में गए थे अंदर और शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आप लोग की बात सुनी जाएगी। अब देखना होगा ये लोग 8 महीना से जो दर दर के जो ठोकरे खा रहे हैं, इन लोग पर कब मलहम लगता है। न्यूज़ बस्कुप के लिए पटना से विवेक रंजन।